हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल के वड़े। चने की दाल के वड़े को बनाना बहुत ही आसान है और साथ में ये पौष्टिक भी है। तो आइए देखिए, चने की दाल के वड़े बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया है। दो हमने उबले हुए आलू लिए हैं। आधा कप चने की दाल को 7-8 घंटे भिगोकर पानी को निथार कर हल्का दरदरा पीस लिया है और दो ब्रेड को भी हमने पीस कर चूरा कर लिया है। एक चुटकी हमने हींग की ली है। आधा चम्मच हमने नमक का लिया है। 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने सूखा हुआ धनिया लिया है। 1/4 से भी कम चम्मच हमने लाल मिर्च का लिया है। लाल मिर्च को हम अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। वड़े तलने के लिए हमने तेल लिया है। चने की दाल के वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। आलू को छील कर मैश कर लेते हैं और चने की दाल को और जो हमने ब्रेड का जो हमने सुखा कर चूरा किया है उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू को छील लेंगे। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। चने की दाल को मिक्स कर देंगे इसमें और ब्रेड का चूरा भी है जो उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड के चूरा को, चने की दाल को और उबले हुए आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें सारे मसाले डालकर एक बार और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक मिला देंगे, लाल मिर्च मिला देंगे, हींग पाउडर मिला देंगे, सूखा हुआ धनिया, आमचूर पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण को हाथ में उठाएंगे और इसके वड़े तैयार करते जाएंगे। इस तरीके से हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे। जितने बड़े आकार का हमें वड़ा तैयार करना है उतना ही मिश्रण उठाएंगे और हाथ की सहायता से दबाकर इसको वड़े का आकार दे देंगे। सारे वड़े हमने तैयार कर लिए हैं। वड़े तलने के लिए अब हम सबसे पहले गैस ऑन कर देते हैं और तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है और तेल में हम वड़े को तल लेते हैं। एक बार में जितने वड़े आए हैं उतने हम तल लेंगे और जैसे ही एक साइड से हमारे वड़े सिककर तैयार होंगे हम इनको पलट देंगे। जो वड़े हमारे सिक चुके हैं उनको हम पलट दे रहे हैं। और वड़े जैसे ही हमारे दूसरी साइड से सिक जाएंगे इनको हम एक प्लेट में बाहर ले लेंगे। दूसरी साइड से भी हम बड़े पलट देते हैं। बड़े हमारे सीख कर तैयार हो चुके हैं। बड़ों को हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। बड़े निकाल देंगे। इसी तरीके से हम बाकी के बड़े भी तल लेंगे। बड़े हमारे सिककर तैयार हो गए हैं, इनको भी हम बाहर ले लेते हैं। चने की दाल के स्वादिष्ट वड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। चने की दाल के वड़े को हम हरे धनिए की चटनी के साथ और मीठी चटनी के साथ परोस सकते हैं। चने की दाल के वड़े बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ।